दोस्तों, पिछले वीडियो का तो आपको याद ही होगा, अभी कुछ भूले नहीं होंगे। आपको याद होगा कि बाघ ने 4 दिन में 4 गायों को अपना शिकार बना लिया था, और चारों बार गाय को मारने के बाद निर्भीक होकर वो जिम कॉर्बेट साहब के सामने भी आया था। मतलब और जिम कॉर्बेट साहब हर बार उसे मारने में मतलब सफल नहीं हो पा रहे थे, सामने आ रहा था लेकिन बच जा रहा था। और ये पालतू मवेशियों को मारने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था जिस दिन पुजारी जी ने कहा था कि वो देवी बाघ है और वो अजय है। और रही बात उसको मारने की, तो आप क्या, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने इस बात को एक चैलेंज की तरह ले लिया था, और अब आलम यह हो गया था कि बाघ उल्टा इनको चैलेंज दे रहा था कि जो चाहे बेटा वो कर लो, मगर मुझसे भिड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल लो। तुम जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस भारतीय रहस्यवाद की घटना का अगला हिस्सा, क्योंकि हम लोग भारतीय रहस्यवाद पे ही चर्चा कर रहे हैं, जिम कॉर्बेट साहब और भारतीय रहस्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं, तैयार है ना? सबसे पहले तो मैं भूपेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं वो अल्टीमेट, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। दोस्तों, यदि आप चाहें तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ आप थैंक यू वाला ऑप्शन में जाकर उस पर जा सकते हैं, और 40 रुपये या आपको जो भी ठीक लगे उसको डोनेट कर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। एक उस पर ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे। तो चलिए घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाघ तो एक छलांग लगा के गायब हो गया था, और जिम कॉर्बेट साहब का भी अब पेड़ में बैठे रहने से कोई फायदा मिलना था नहीं, कोई फायदा नहीं था इनको बैठने का। लेकिन समस्या ये थी कि जाए कहाँ, ये जो रात है सो कहाँ गुजारा जाए। उस दिन करीब 20 मील का सफर ये करके आ चुके थे, यानी कि पैदल 20 मील चल के आ चुके थे, और गेस्ट हाउस जाने के लिए इन्हें 8 मील और एक्स्ट्रा चलना पड़ता, यानी कि 28 मील, और वो भी पूरे घने जंगलों के बीच से, वो भी ऐसा इलाका जहाँ पे आदमखोर तेंदुआ भी सक्रिय था, तो उसकी तरफ से भी खतरा हो सकता था। तो इनको लगा कि यार ये जोखिम उठाना ठीक नहीं है, एक तरफ बाघ और एक तरफ तेंदुआ, थोड़ा सा जान भी ठीक नहीं है। फिर जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि कोई और एरिया होता तो ये मरे हुए शिकार से करीब 200-300 गज की दूरी पे जाकर मजे से जमीन पे सो जाते, लेकिन ये तो आदमखोर तेंदुए का इलाका था, और नरभक्षी तेंदुए जो हैं वो रात में ही अपने शिकार के लिए निकलते हैं। आपने पनार वाली कहानी में भी सुना, आपने ये रुद्रप्रयाग के आदमखोर में भी सुना, तो तेंदुए ऑलमोस्ट रात में ही निकलते हैं। जब शाम के वक्त ये पेड़ में बैठे थे तब कहीं दूर से इन्होंने मवेशियों के जो गले में घंटियां बंधी होती ना, उसकी आवाज़ सुनी थी। अब ये आवाज़ या तो किसी गांव से या किसी छानी छप्पर से आ रही होगी, छानी छप्पर जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है। इन्हें आइडिया था कि आवाज़ किस दिशा से आ रही है, इसलिए ये पेड़ से उतरे और उस दिशा की तरफ चल पड़े, ये पता लगाने के लिए कि भाई आवाज़ें मवेशियों की आ तो रही थी लेकिन कहाँ से आ रही थी। एक आइडिया लेकर के ये चल दिए। दोस्तों, जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, इस पर मवेशियों का चोरी होना तो असंभव है। कोई किसी की गाय भैंस चोरी कर ले, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता है। और उत्तरांचलों के जो जंगल है वहाँ पे जो चारगाह जो होते हैं, चारगाह जो होते हैं उसके नज़दीकी जो है छानी छप्पर बना दिए जाते हैं, यानी छानी छप्पर जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है। अब ये गाँव वाले क्या करते हैं, अपने सारे मवेशियों को इन छानी छप्परों में रात में छोड़ देते हैं। अब वो दिन भर मवेशी जो है चारगाह में अपना घास चरते रहते हैं, और रात में इन्हीं छानी छप्परों में आ जाते हैं और यहाँ आके अपना बंद हो जाते हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने
जिन घंटियों की आवाज़ सुनी थी उस छप्पर को इन्होंने ढूंढ लिया। एक यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा मवेशी एक बड़े से बाड़े के अंदर बंद थे। इस बाड़े को जो है बहुत मजबूत लकड़ियों से बनाया गया था। ये जो छप्पर था ये घने जंगलों के बीच में था, और मज़ेदार बात यह है कि चौकीदारी करने के लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। अरे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि चोरी चमारी तो हमारे पहाड़ों में होती नहीं उत्तराखंड में। और यही हम जो बात है ये हम ये जो पहाड़ी लोग हैं हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिस पर हम गर्वित होते हैं। ये बाड़ा एक बात का और प्रमाण दे रहा था कि जब तक जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ को चैलेंज नहीं माना था, या ये कहें कि इनके देवी दुरा आने से पहले बाघ ने कभी भी किसी के पालतू मवेशी को नहीं मारा था, तो यहाँ बाड़े में बड़े आराम से मवेशी रह रहे थे। और अब वो चार दिन में चार मवेशी मार चुका था। अब रात तो जिम कॉर्बेट साहब ने इस छप्पर में इन मवेशियों की जो छत्र छाया है उसी में गुजारनी थी। ऐसे में एक दिक्कत आना स्वाभाविक था, वो ये कि किसी अनजान व्यक्ति के नज़दीक जाने पर मवेशी बड़े असहज हो जाते हैं, वो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, कुछ डर सा महसूस करते हैं, तो कभी अपने सर को ऐसे ऐसे करते हैं, तो कभी अपने खुरों को अपने पाँव को जो है ज़मीन में पटकते हैं, जिससे कि वो आगंतुक को डरा रहे हों। एक कोशिश सी उनकी होती है अपने आप को सेफ करने के लिए कह रहे हैं, या जो आया हुआ है उसको डराने के लिए। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब कालादुंगी में इनके घर के नज़दीक करीब 900 गाय भैंसों का एक तबेला था, और आपको पता ही है कि अपने बचपन से ही ये मवेशियों से जुड़े रहे थे, इनको बड़ा प्यार बड़ा लगाव था। उनको समझने और उनको समझाने की भाषा ये दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धीरे धीरे चलते हुए उनसे बतियाते पुचकारते हुए उनके बीच में पहुंच गए। बतियाते पुचकारते आप समझ गए होंगे, आ ले 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 ये वो, इस तरह से कहते हुए समझ रहे होंगे ना आप किस तरह से गाय भैंसों से बात करी जाती है, मवेशियों से किस तरह से बात की जाती है। तो अरे ले क्या क्या कुछ इसी तरह से की जाती है। और फिर वहाँ पे एक जगह पे बैठ के ये सिगरेट पीने लगे। अब गाय भी थोड़ा ठीक ठाक हो गई थी, जहाँ पर ये बैठे थे उसके नज़दीकी कुछ गाय खड़ी थी, उनमें से एक गाय आगे बढ़ी और उसने इनके सर के पिछले हिस्से को चाटना शुरू कर दिया। अब ये उस गाय का दोस्ताना व्यवहार था ये कह लीजिए आप, लेकिन जो उसकी लार से वो पूरा सर गीला हो गया था, तो मतलब ऐसा लार था जिससे सर गीला हो गया। इन्होंने सिगरेट वगैरह अपनी ख़त्म करी और राइफल को जो अनलोड थी उसको अनलोड किया, और फिर अपने सोने के लिए जगह ढूंढने लगे। सोने के लिए बहुत सेफ जगह ढूंढनी थी, क्योंकि रात में कहीं पे जरा सा भी खटका होता तो हो सकता है कि मवेशियों में भगदड़ मच जाती और उनके खुरों से ये रौंदे जा सकते थे। हो सकता है मान लो उस जगह पे बाघ आ जाता तो, या तेंदुआ ही आ जाता, तो मवेशियों में भगदड़ होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती। भगदड़ होते टाइम में वो ये नहीं देखते कि उनके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। ऐसे में जिम कॉर्बेट साहब का चोटिल हो जाने का खतरा बना रहता। इन्होंने इधर उधर देखा तो इनको जो है दो गायें दिखाई पड़ी, उनके बीच में जगह थी। अच्छा, ये जो दोनों गायें थी एक दूसरे की तरफ पीट करके सोई हुई थी। इन दोनों ये जा करके उन दोनों गायों के बीच में लेट गए। अब मवेशियों के बीच में दोनों गायों के बीच में सोने से इन्हें ठंड भी नहीं लग रही थी। गायों के शरीर की गर्मी और जो उनसे निकलने वाली एक मीठी गंध होती है ना गाय से जो निकलती है, उसमें ये गहरी नींद में सो गए। मतलब लिखते हैं कि मैं भयानक नींद में सो गया। उस टाइम मैं भूल गया यहाँ पे बाघ है, चीते हैं, क्या है, कुछ नहीं, मतलब बाघ है तेंदुए हैं, सब भूल गए, सो गए। रात कट चुकी थी और सूरज निकलने वाला था। तो कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी, उनकी आवाज़ सुन के इनकी नींद खुल गई। इन्होंने देखा कि वहाँ पे तीन लोग आए थे, उनके हाथ में दूध की बाल्टियाँ थी, और वो लोग बड़े गौर से और बड़े आश्चर्य से जो है जिम कॉर्बेट साहब को देख रहे थे कि अरे यार ये कौन, यहाँ कहाँ, कैसे। पिछले दिन सुबह ये गेस्ट हाउस से जब निकले थे तब इन्होंने नाश्ता किया था, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। हाँ, वो कुंड में जरूर इन्होंने वो बर्फ जैसा वो ठंडा पानी पिया था जहाँ पे इन्होंने बाघ को देखा था, और उसी
सॉरी उसी पानी के सहारे से ये इनका शरीर अभी तक चल रहा था। कहने का मतलब है एक दिन पहले सुबह इन्होंने एक नाश्ता किया था हल्का फुल्का, उसके बाद से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। तो ये कितना कुछ करते थे उत्तरांचल के लोगों की जान बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, खुद को तकलीफ देते थे। उन व्यक्तियों ने इन्हें गर्म दूध पीने के लिए दिया, इससे पी कर के इनके शरीर में थोड़ा एनर्जी आई, थोड़ा जान सी आ गई। फिर एक दूसरे के साथ परिचय हुआ। अब इनका परिचय पाकर वो जो ग्रामीण थे वो बड़े खुश हो गए और इनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि चलिए साहब गांव चलिए और कुछ नाश्ता वाश्ता कर लीजिए। अब इन्होंने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, थोड़ा आनाकानी थोड़ा ये वो, लेकिन स्वीकार कर लिया। उन्होंने इनके रहने और खाने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। नहा धो के और भरपेट अपना नाश्ता वाश्ता करने के बाद ये उस स्थान से मतलब गांव से निकले और उस स्थान पे गए जहां पर बाघ ने अपना शिकार रखा था, यानी वो गाय थी। और इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये शिकार को जिस तरह से छोड़कर गए थे वो अभी भी वैसा ही था। तो इन्होंने क्या किया, कुछ सूखी पत्तियां और टहनियों से उस गाय को उस शिकार को अच्छी तरह से ढक दिया जिससे कि वो गिद्धों की नज़र ना पड़े और वो इस पर ना टूट पड़े। अगर गिद्धों को पता चल जाता कि यहाँ पर एक गाय का बॉडी पड़ी है तो वो तो आधे घंटे में ही गाय को साफ कर देते। लेकिन ये क्या था कि ढक देने से क्या था कि एक चांस बनता कि बाघ आएगा। बाघ शिकार को छुपाने के बाद मतलब ढकने के बाद ये अपना डाक बंगले की ओर वापस चले गए। ये डाक बंगले में इन्होंने जो सब करने थे अपना वो सब किया। उसके बाद में ये सामने के घास के मैदान पे आके बैठ गए और आज जो वहाँ से खूबसूरत जो नज़ारा सीनिक ब्यूटी जो थी वो उसको निहार रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि यार नैनीताल से तो निकला था पनार के आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए, लेकिन उस चबूतरे में जो मंदिर के पास वाला चबूतरा था उसमें चारवाहे के साथ जो घटना घटी उसके बाद से तेंदुए की कोई खबर भी नहीं मिल रही थी, ना उसके द्वारा किया गया कोई उससे शिकार किया गया हो ऐसा कुछ पता चल रहा था और ना कहीं उसके पगवार के इनको दिख रहे थे। इन्होंने पुजारी जी से बनिए से और दूर के और नज़दीक के जितने भी लोग इनको मिले उन सबसे पूछा तो उन सब का एक ही बात कहना था, उन सब की मतलब उन्होंने एक ही बात बताई कि साहब कई बार वो तेंदुआ लंबी अवधि के लिए न जाने कहाँ लापता हो जाता है और ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो समय चल रहा है उनके हिसाब से ये समय उसके लापता हो जाने का था, यानी कि इन दिनों वो पता नहीं कहाँ चला जाता था। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो दोबारा कब एक्टिव होगा, कब दोबारा इंसान को मारना शुरू करेगा। उस क्षेत्र में जहाँ आदमखोर सक्रिय था ये एक बहुत बड़ा इलाका था और इस इलाके में 10 से लेकर के 20 तेंदुए और थे। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसे खास तेंदुए को ढूंढना जो नरभक्षी है बड़ा मुश्किल था और ऐसा जिससे इंसानों को मारना फिलहाल बंद किया हुआ था और ये भी नहीं पता था कि उसे कहाँ किस दिशा में कैसे ढूंढा जा सकता, जिसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। अब जो भी था ये नरभक्षी तेंदुए को मारने का जो इनका मिशन था, पनार के मैनीटर को मारने का जो मिशन था ये तो फेल हो गया था और देवीधुरा में अब ज़्यादा दिन रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। लेकिन मंदिर के बाघ वही देवी बाघ जो अजय बाघ था वो मामला जैसे का तैसा ही था, जैसा था वैसा ही था, उसमें कुछ नहीं हुआ था, वो गाय मार रहा था। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब को इस बाघ को मारने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी लेकिन इन्हें महसूस हो रहा था कि इनके द्वारा उसका पीछा किए जाने के कारण और जो उसको डिस्टर्बेंस हुआ है इस वजह से वो और ज़्यादा मवेशियों को मार रहा है। अगर ये यहाँ नहीं आते तो वो उतने मवेशियों को नहीं मारता जितने अब मार रहा है, कुछ ऐसा ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। अब सोचिए एक बाघ ने भला उसी दिन से क्यों मवेशियों को मारना शुरू किया जिस दिन ये देवीधुरा पहुंचे और ये चैलेंज वाली बात आई, इसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। लेकिन क्या वापस लौट जाने के बाद भी वो बाघ जो है पालतू मवेशियों को मारना बंद कर देगा या मारता रहेगा,
ये बात सोचनी थी, ये बात देखने वाली थी कि वो अगला क्या उसका रहने वाला है। पर जो भी हो, जिम कॉर्बेट साहब ने उसे मारने की कोशिश तो करी थी, साथ ही जिन लोगों की गाय मारी गई थी उन्हें कॉर्बेट साहब ने जो है अपनी जेब से मुआवजे के तौर पे काफ़ी रुपये पैसे वगैरह भी दिए थे, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब जानते थे उत्तराखंड के लोगों की गरीबी और किस तरह से जीवन यापन करते हैं, एक मवेशी की क्या वैल्यू है, एक गाय की क्या वैल्यू है एक उत्तराखंड वासी के लिए। और इसके बदले में उस बाघ ने भी जिम कॉर्बेट साहब को, मतलब इनकी लाइफ का जो है अब तक के सबसे ज़्यादा रोचक अनुभव दिया था किसी फॉरेस्ट का, किसी जंगल का। पिछले चार दिनों के इस रोमांचकारी खेल में बाघ ने इन्हें हर दांव पे मात दी थी। ये चार दिन बहुत थकान से भरे हुए रहे थे इनके लिए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि अब वो आज डाक बंगले पर ही आराम करेंगे और अगले दिन वापस नैनीताल चले जाएंगे। अब ये सब डिसाइड कर ही रहे थे, बड़ा जोरदार किस्सा हुआ, इनके पीछे से आवाज़ आई, साहब सलाम, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि बाघ ने मेरी गाय मार दी है। बाघ को मारने का एक अवसर और मिल गया। तो इधर सोचा कि अब यार आज तो रुकना है ही है, तो चलो देखा जाए, अब मैं चाहे आज बाघ को मारने में सफल हूँ या असफल, जो भी हो कल सुबह मुझे हर हालत में यहाँ से वापस नैनीताल जाना ही जाना है, मुझे नहीं रुकना है देवी धुरा में। इंसानों और जो भालू थे वो बाघ को जो है बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इंसान मतलब जिम कॉर्बेट साहब और भालू, आप सुन ही रहे हैं किस्से में, तो डिस्टर्ब होने से बड़ा नाराज हो गया था बाघ, और उसने अपना जो क्षेत्र था, अपना जो शिकार का क्षेत्र था वो दूर कर दिया। अब उसने क्या किया, देवी द्वार से पूरी दिशा में शिकार किया, वो जगह गेस्ट हाउस से कई मील दूर थी। इस पहाड़ी के पीछे की तरफ घाटी में घनी झाड़ियाँ थी और बीच बीच में छोटी घास वाले ऐसे स्थान थे, जैसे छोटे छोटे से बने होते ना, ऐसे एक स्थान में एक गाय की बॉडी पड़ी हुई थी जिसे झाड़ियों की तरफ घसीट कर खुले में छोड़ दिया गया था। जहाँ पर गाय मरी हुई थी उसके सामने के निचले हिस्से में, सामने का जो नीचे का हिस्सा था उस पर बांज का एक बहुत बड़ा पेड़ था। आसपास के सैकड़ों गज की दूरी में इसके अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं था, यानी कि आसपास कोई दूसरा पेड़ था ही नहीं। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि चलो इसी पेड़ में बैठा जाएगा। इनके आदमी चाय बनाने के लिए केतली में पानी गर्म कर रहे थे और ये आसपास के क्षेत्र का जो है जायजा लेने के लिए निकल पड़े। इनका मानना ये था कि बाघ यहीं कहीं घाटी पर लेटा होगा, लेकिन एक घंटे से ज़्यादा और बहुत बारीकी से मुआयना करने के बाद भी इनको बाघ का कोई सुराग नहीं मिला, दिखाई नहीं इनको। चार बजे के आसपास इन्होंने अपने आदमियों को बोला कि भाई तुम वापस गांव चले जाओ, और खुद जो है वो पेड़ पे करीब 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ के उस पर बैठ गए और बाघ का इंतज़ार करने लगे। इनका प्लान था कि सूरज के अस्त होने तक, यानी कि सनसेट तक, सूरज डूबने तक ये बाघ का इंतज़ार करेंगे, यदि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ये अपना वापस डाक बंगले लौट जाएंगे। अब जो शिकार था वो जो है वो खुले में पड़ा हुआ था और जिम कॉर्बेट साहब से उसकी जो दूरी थी वो करीब 10 गज रही होगी, और उसका जो पिछला भाग था वो झाड़ियों से करीब 1 गज की दूरी पर था, यानी झाड़ी में नहीं था, उससे 1 गज दूर था, जिम कॉर्बेट साहब से 10 गज की दूरी पर था। जिम कॉर्बेट साहब पेड़ में 1 घंटे से अपनी दाहिनी तरफ एक हिसालू की झाड़ी थी और वो उसमें एक बुलबुल जो है हिसालू चुग रही थी, उसे 1 घंटे से बिना हिले डुले उसी को देख रहे थे। अच्छा हाँ, आप में से शायद कई मित्र ऐसे होंगे जो हिसालू नहीं जानते होंगे कि वो क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ। दोस्तों हिसालू ये पहाड़ में होने वाला एक जंगली फल होता है, ये आकार में बहुत छोटा होता है, हल्के पीले रंग का
जो ये फल है इसका खट्टा मीठा स्वाद होता है, इसे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। स्ट्रॉबेरी की तरह होता है ये भी थोड़ा सा, और अब बिकने भी लगा है मार्केट में, खासतौर पर जिन स्थानों पर टूरिस्टों की आवागमन ज़्यादा हो वहाँ पर गाँव के बच्चों को आप देखेंगे पत्तियों का कटोरा बनाकर उसमें हिसालू रखकर 10-20 रुपए में बेच देते हैं, अपना खर्चा जेब खर्चा निकालते हैं। अच्छा है, काफल आप जानते होंगे, काफल की तरह ही ये भी दानेदार होता है कि ये भी एक ये सीजनल फल होता है, 12 महीने नहीं रहता है। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे हिसालू क्या होता है, अगर नहीं होता है तो मैं गूगल सर्च करूंगा, अगर कहीं पर उसका हिसालू का फोटो दिखा तो मैं डाल दूंगा। 1 घंटे से बुलबुल को देख रहे थे, बताया ना, तो मैंने बताया ना कि 1 घंटे से बुलबुल को देख रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब से उसकी मतलब उन्होंने उस पर से अपनी नज़र हटाई और फिर ऐसी शिकार की तरफ देखा तो इन्हें झाड़ियों के पीछे बाघ का सर दिखाई पड़ा। देखकर लग रहा था कि वो जो है वो पोजीशन होती ना उसकी वो अटैकिंग वाली और लेटी हुई उस पर है, क्योंकि उसका सर जमीन पर था और उसकी आंखें जिम कॉर्बेट साहब पर टिकी हुई थी। अब काफ़ी देर तक ऐसे ही रहा, फिर उससे पहले एक पंजा आगे बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, तो बिल्कुल जमीन से सटा हुआ ऐसे ऐसे नज़र जिम कॉर्बेट साहब पर रखे हुए और शिकार की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। सरकता हुआ वो शिकार के पास पहुंच गया, लेकिन उससे एक बार भी अपनी नज़र जिम कॉर्बेट साहब से नहीं हटाई। वो खुद के अपने शरीर को सरका तो रहा था लेकिन नज़रें जो है उसकी जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर से मतलब हट नहीं रही थी, उन्हीं को देख रही थी। शिकार के पास पहुंच के वो कुछ देर तो बिल्कुल स्थिर रहा, फिर उसने गाय को पिछली तरफ से खाना शुरू कर दिया, उसके पिछले साइड से खाना शुरू कर दिया। भालू से जिस दिन लड़ाई हुई थी उस दिन से अभी तक बाघ ने कुछ खाया नहीं था, मतलब बाघ 3 दिनों से भूखा था। अब वो क्या कर रहा था, गाय के पिछले हिस्से को खाल सहित उसके बड़े बड़े निवाले तोड़ रहा था और खा रहा था, और खाते हुए भी उसकी जो नजर थी वो जिम कॉर्बेट साहब पर ही टिकी हुई थी। कॉर्बेट साहब की राइफल उस समय उनके घुटनों में रखी हुई थी और उसकी जो नाल थी उसका मुंह बाघ की ही तरफ था, ऐसे रखी हुई थी बाघ की तरफ था। इन्हें बस इतना करना था कि राइफल को किस तरह से उठाकर अपने कंधे तक लेकर के आना था और फायर कर देना था, और ये तभी संभव होता जब बाघ जो है अपनी नज़रें इन पर से हटाता या थोड़ा इधर उधर देखता, अगर 1 मिनट के लिए भी इधर देखता तो इतना टाइम इनके लिए काफ़ी होता, लेकिन बाघ तो बाघ था, वो लगातार इन पर नज़र रखे हुए था, वो इनको राइफल उठाने का मौका ही नहीं दे रहा था, उसके घूरने के कारण ये राइफल नहीं उठा पा रहे थे अपनी। बाघ भी जानता था कि ये इंसान जो पेड़ में बैठा हुआ है इसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो भी बिल्कुल अलर्ट था और बिल्कुल अलर्ट होकर अपना भोजन कर रहा था, अपना शिकार खा रहा था। अब उसकी नज़रें जिम कॉर्बेट साहब पे थी और जल्दी जल्दी जितने बड़े बड़े कौर हो सके वो खा जा रहा था। उसने करीब 15 से 20 पाउंड मांस खा लिया था। इतने में जिम कॉर्बेट साहब ने देखा कि जो बुलबुल अभी तक वो हिसालू खा रही थी बैठ के, ना मैंने बताया हिसालू चुग रही थी, वो उड़कर बाघ के पीछे वहाँ पे 2 नीलकंठ पक्षी और बैठे हुए थे उनके पास पहुँच गई और वहाँ पे ये सब चहकने लगे। तो जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि यार ये मौका सही है, ये पीछे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं तो बाघ का थोड़ा सा ध्यान बटेगा और इस टाइम में ये बाघ को निशाने पर ले सकते हैं। इनको लग रहा था कि अगर ये बहुत धीरे धीरे राइफल को उठाया जाए तो शायद जो बाघ है वो समझ नहीं पाएगा, इनको देख नहीं पाएगा क्योंकि चिड़ियों से भी उसको डिस्टर्ब हो रहा है। और ये सोचकर इन्होंने जैसे ही राइफल को उठाया बाघ एकदम से मतलब ऐसे उछला, पीछे पीछे की तरफ उछला, ऐसे उछला कि जैसे उस पर स्प्रिंग लगे हों, हम तो आगे को तो जंप करता ही है लेकिन पीछे उल्टी जंप, और फिर पीछे झाड़ियों में खो गया। और जिम कॉर्बेट साहब राइफल को कंधे पे लगा करके बैठे रहे और इनको ये विश्वास था कि अभी 2-3 मिनट के बाद बाघ जो है दोबारा जो है शिकार पर लौटेगा और जैसे ही लौटेगा ये शूट कर देंगे, क्योंकि अब ये पोजीशन में आ गए थे।
अब कई मिनट ऐसे ही बीत गए लेकिन बाघ आ ही नहीं रहा था। अब ये पड़े परेशान से होने लगे। फिर इन्होंने बाघ की आवाज सुनी। वो झाड़ियों का पूरा चक्कर काटकर इनके पीछे से इनके पेड़ तक पहुंच गया था और उसने पेड़ के तने को नोचना शुरू कर दिया था। लेकिन जो पेड़ के जो तने थे उस पर जो है ना छोटी छोटी काफ़ी सारी टहनियाँ कुछ इस तरह से उगी हुई थी कि जिम कॉर्बेट साहब ऐसे नीचे उसे देख नहीं पा रहे थे। हल्की सी घुरघुराहट करते हुए बाघ ने पेड़ को अपना नोचना चालू रखा हुआ था। उसकी घुरघुराहट से जिम कॉर्बेट साहब को ये लग रहा था कि बाघ जो है यार ये हंसी उड़ा रहा है मेरी, ये मेरी मजाक बना रहा है, मेरी हंसी उड़ा रहा है। हालांकि जिस ऊंची शाखा पे ये बैठे थे वो बाघ की पहुंच से तो बहुत दूर थी। फिर जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि वैसे तो कौवे और बंदरों में हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसी दिन उन्हें ये पता चला कि बाघ भी हंसी विरोध कर सकते हैं और इतने ढीठ भी हो सकते हैं जितना कि ये बाघ था। ढीठ शब्द इसलिए बोला गया है कि 5 दिन में ये 5 गायों को मार चुका था। 5 दिन में 5 गाय मार चुका था जिनमें से 4 उसने दिन दहाड़े मारी थी और इन 5 दिनों में वो जिम कॉर्बेट साहब के सामने 8 बार पड़ा था और 4 मौके तो ऐसे थे जिस पर इन्होंने उस पर गोली चलाई थी, उस पर गोली भी दागी थी। और अब आधे घंटे तक अपने शिकार को खाते हुए वो इन्हें लगातार घूरे जा रहा था। और इतना ही नहीं, अब तो वो उस पेड़ के नीचे आ चुका था जिस पर जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए थे और उस पेड़ को नोचे जा रहा था, गुरुराट करे जा रहा था। जिम साहब कॉर्बेट साहब कुछ ऐसा भी महसूस कर रहे थे कि जैसे वो इन पर जो है अपनी नफरत का इजहार कर रहा हो, मतलब है क्या है यार तू यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है कुछ समथिंग लाइक। पुजारी जी ने पहले ही कहा था कि साहब आप उस बाघ को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन ना तो आप और ना कोई आप जैसा या कोई और शिकारी इसे मार पाएगा। और बाघ भी अपनी तरफ से पुजारी जी की जो बात थी उस बात का समर्थन कर रहा था कि वो दैवीय बाघ है और अजय है, बार बार सामने आना, गोली नहीं लगना, रोज शिकार किया जाना। और जिम कॉर्बेट साहब और बाघ के बीच चले जो ये जो रोमांचक खेल था इससे एक दूसरे को किसी ने हानि नहीं पहुंचाई थी। बाघ ने अपना आखिरी दाव मारा था लेकिन जिम कॉर्बेट साहब भी उसे कैसे जीतने दे सकते थे। उन्होंने अपनी राइफल नीचे रख दी और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और शायद मनी मन उन्होंने भी जय माता दी यही बोला होगा। और वो हाथ जोड़ के तब तक ऐसे बैठे रहे जब तक बाघ ने पेड़ को नोचना बंद नहीं कर दिया। जब बाघ ने पेड़ को नोचना बंद कर दिया तो उसके कुछ देर बाद ये अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे लाए और जोर से अपनी पूरी ताकत लगा करके बहुत जोर से चिल्लाए। इनके जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो पहाड़ियों में आपस में टकरा के होती ना प्रतिध्वनियाँ, कोरा कागज था ये मन मेरा 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 वाली जो चीज़ होती प्रतिध्वनि, वही आवाज़ सुनकर इनके और गांव के कुछ लोग भागते हुए नीचे की तरफ आने लगे। और जब वो पहुँचे नीचे पेड़ के पास तो उन्होंने बताया कि साहब हमने देखा बाघ को, वो अपनी पूंछ उठा के हवा में छलांग मार के भाग रहा था। और साहब जरा ये देखिए तो ये पेड़ का क्या हाल कर दिया उसने। ये थी अगली सुबह जिम कॉर्बेट साहब अपने देवी धुरा के दोस्तों को ये बोलकर उन्होंने अलविदा कहा कि अब चलता हूँ, जब भी आदमखोर सक्रिय होगा तो दोबारा आऊँगा, अभी यहाँ रहना बेकार है। और फिर बात के कई वर्षों तक आदमखोर के शिकार के लिए ये देवी धुरा इनका आना जाना रहा, कई मौके ऐसे रहे कि इनको देवी धुरा जाना पड़ा, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना कि मंदिर के बाघ ने किसी आदमी या किसी गाय को मारा हो।
जिस दिन आए उस दिन चैलेंज वाली बात भी मारना शुरू किया, इनके जाने के बाद बंद हो गया। इसलिए इन्हें उम्मीद थी कि ये योद्धा, मतलब ये बाघ, एक बुजुर्ग सैनिक की तरह, एक रिटायर्ड सैनिक की तरह अपनी पूरी उम्र जीकर इस दुनिया से विदा हुआ होगा। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए कितनी रोमांचित और रहस्यवाद से जुड़ी हुई घटना थी ये। माता रानी के प्रति एक ईसाई व्यक्ति की आस्था जाग गई थी, हाथ जोड़ के बैठ गया था और मनी मन जय माता दी ही बोल रहा था। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं जिम कॉर्बेट साहब के जीवन में घटी। आपको याद होगा जब ये तल्ला देश के आदमखोर को मारने के लिए जा रहे थे तो इन्हें पूर्णागिरी माता का जो मंदिर है उसके सामने वाले पहाड़ पर रात के समय मशालों की रोशनी दिखी थी। वो रोशनी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी का भी पहुँच पाना संभव नहीं था, खड़ी चट्टाने थी बिल्कुल वो। और जिस उन रोशनियों के विषय में पता चला था कि ये जो रोशनी है ये सिर्फ साफ दिल और अच्छी नीयत रखने वालों को ही दिखती है। और जिम कॉर्बेट साहब तो साफ दिल से जा रहे थे, अच्छी नीयत से जा रहे थे। तल्ला देश के नरबख्शी को आप सीरीज को आप देखिए और उस पर जिम कॉर्बेट और देवी दिव्य ज्योति के नाम का एक टाइटल मिलेगा। उस एपिसोड में मैंने इस घटना का वर्णन किया है, आप उत्तरांचल डायरीज में इसे आराम से सुन सकते हैं, विस्तार से सुन सकते हैं। इसके अलावा अरे अपना वो बारा सिंह जो इनका साथी था और त्रिशूल का पिशाच, उसे भी सुन सकते हैं। उसमें नकारात्मक शक्ति का विवरण है, मतलब नकारात्मक शक्ति से मेरा अभिप्राय जो मेरा मतलब है वो भूत पिशाच पिशाच से है। एक और घटना जो उत्तराखंड की पहली आदमखोर बाघिन यानी मैन ईटर ऑफ चंपावत के शिकार के दौरान घटी थी, वो भी एक ऐसी रहस्यमय घटना थी जिसके बारे में जिम कॉर्बेट साहब को अगर बताना हो तो वो बड़े असहज हो जाते थे। वो भी एक नेगेटिविटी से जुड़ी हुई एक भूतिया घटना थी जो इनके गेस्ट हाउस में घटित हुई थी जिस पर ये रुके हुए थे। समय निकाल के वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो इन इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं, तो इन सारी घटनाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिम कॉर्बेट साहब भारतीय रहस्यवाद के समर्थक थे और सभी देवी देवताओं भूत प्रेत आदि इन सब चीज़ों पर विश्वास करते थे। दोस्तों मैंने जिम कॉर्बेट साहब और उनके द्वारा किए गए शिकार या उनके प्राकृतिक प्रेम नेचर लव से रिलेटेड घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताया है उत्तरांचल डायरीज में। बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है, कुछ छूटी भी हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप उत्तरांचल डायरीज यानी इसी चैनल को, इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो फिर अब देर मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं देरी करने का, जल्दी से उत्तरांचल डायरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक करके कहानी सुननी शुरू कर दीजिए। अपने कमेंट कीजिए, कुछ बातें आप मुझे बताइए, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप मुझे ज़्यादा बताएंगे क्योंकि मैं तो चारपाई में पड़ा हुआ हूँ, आप बाहर हैं घूमते फिरते हैं, तो आप मुझे बताएंगे। जो भी हो दोस्तों हेल्प कीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उन्हें कैसा लगा। यदि पसंद आया तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी संभव हो सके। उत्तरांचल डायरीज़ आप लोगों के सहयोग का बहुत बहुत बड़ा आभारी है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दे दीजिए, जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में जिसमें आपको जिम कॉर्बेट साहब को जानने का, समझने का, पहचानने का ज़्यादा मटेरियल मिलेगा और कई चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों अभी चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ। सो बाय बाय, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती, मेरा देश महान।